हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू मम्माज ढाबा। आज मेरे साथ शेफ गौरव, जो कि मेरा भाई है, आया हुआ है बैंगलोर। और आज हम लोग क्या बनाने जा रहे हैं गौरव? वी आर गोइंग टू प्रिपेयर मशरूम चिली टुडे, व्हिच विल बी ड्राई एंड वेरी वेरी डिलीशियस। यस, तो देखते हैं कैसे बनाते हैं इसे। एंड ही इज रनिंग टू रेस्टोरेंट, सो माइट बी इज गोइंग टू ऑसम रेसिपी। आइए सीखते हैं कैसे बनाते हैं इस रेसिपी को। श्योर, फर्स्ट ऑफ ऑल आई लाइक टू शो यू द इंग्रेडिएंट्स व्हाट वी रिक्वायर इन मशरूम चिली। And the first and the most important ingredients, as you all know, would be mushroom. And these are freshly fresh mushrooms. And we will require capsicum, onion, chilies, because it is mushroom chili. So we will have chilies. Finely, it's not very finely chopped garlic. But, and this is pepper powder. Now we will freshly cut these vegetables and we will split in mushroom into two halves, because you know, once we cut these mushrooms, then only we will dip into corn flour powder and we will deep fry it. First we will deep fry it and then only we will start the rest of preparations. So we have cut these mushrooms. Similarly, we will cut onions into four halves. और ये जो है ना प्याज की कली, इसको हम लोग खोल देंगे। कैसे, एक बार आप बताओगे थोड़ा कैमरे के पास, कैसे कर रहे हो आप प्याज की कली? वी विल सेपरेट दी, ये जो कली का जो पार्ट है, वी विल सेपरेट इट सो दैट इट विल गिव अ प्रॉपर चिली लुक। बिकॉज आप जब रेस्टो वगैरह में खाते होंगे, देखते होंगे अलग से कली खुला हुआ रहता है, तो वो हम लोग काटने के बाद इसको थोड़ा सा साथ में खोल भी देते हैं, और ऐसे प्रिपेयर करते समय भी हल्का खुल जाता है। अच्छा, मैं आपसे पूछूं गौरव, ये क्या हम इसको टू पीसेस में ही कट करेंगे, अगर छोटा कट नहीं कर सकते इसे? नहीं, छोटा क्योंकि यू नो मशरूम चिली अगर आप बनाते हो तो मशरूम का जो पीसेस है वो थोड़ा सा एक इवन साइज में आना चाहिए, तो इसलिए जस्ट टू हैव अ यूनिफॉर्म एंड इवन साइज हम लोग टू हाफ में काटते हैं, तो इट लुक्स बेटर और खाने में भी अच्छा लगता है और देखने में भी इट लुक्स क्वाइट नाइस। सिमिलरली जो आपका ये जो हम लोग कैप्सिकम है, कैप्सिकम को भी हम लोग डाइसेस में काटेंगे, जैसे ये है डाइसेस, ऐसे डाइसेस में हम लोग काटेंगे, और डाइसेस में ही जो है ये चिली के अंदर ये पड़ेगा। वी विल सेपरेट दी सीड्स को हम लोग हटा देते हैं, और हम लोग जो है एक बार एक डाइस आप दिखाएंगे कैसे काटा आपने, कितनी बड़ी डाइस होनी चाहिए, कितनी बड़ी? मैं आपको दिखलाता हूँ फिर से, एक डाइस आप यहाँ पे कैमरे पे दिखा दो। पहले तो हम लोग सीड्स को हटा देते हैं जी, बिकॉज डजंट गो इनटू द ग्रेवी। ओके, सीड को हटा दिया, दिस इज हाउ वी कट। सिमिलरली चिलीज को भी हम उसी हिसाब से काटेंगे, वी विल सिंपली कट चिलीज इनटू टू हाफ्स, सो दैट वी गेट चिलीज का फ्लेवर के साथ चिलीज को भी हमारे मुंह में विथ बाइट्स आएगा। वी हैव ऑलरेडी कोर्सली चॉप्ड गार्लिक को हमने कोर्सली चॉप किया है, एंड वी हैव द अदर इंग्रेडिएंट्स। तो अब द नेक्स्ट प्रोसेस, हम लोग मशरूम को काट करके इसको फ्राई कर लेते हैं, ठीक है? और बाद ही उसके बाद प्रिपरेशन कैसे होगा आई विल शो यू। नाउ व्हाट विल डू, वी विल पुट ऑल दीज कट मशरूम्स इनटू कॉर्न फ्लावर, और कॉर्न फ्लावर वी आर नॉट टेकिंग कॉर्न फ्लावर स्लरी, वी आर टेकिंग सिंपली कॉर्न फ्लावर विच इज ड्राई, इसलिए ताकि जो हम जो इसको मिलाते हैं, मिक्स करते हैं और इसको उसके बाद जो फ्राई करेंगे, तो इसमें जो है ना ये मोटा कोटिंग नहीं आएगा, इट विल बी अ सिंपली फाइन कोटिंग, जिसमें लोगों को लगेगा कि दे आर एक्चुअली हैविंग फुल मशरूम। और ऐसे क्या होता है अगर हम स्लरी में डालकर इसको निकालते हैं, तो एक मोटा कोटिंग रहता है। तो हमने क्या किया कि हमने दो भागों में मशरूम को कट किया है, उसके बाद हमने कॉर्नफ्लोर लिया और कॉर्नफ्लोर के अंदर कुछ भी मिक्स नहीं किया हमने, और डायरेक्टली हमने कॉर्नफ्लोर के अंदर जो है वो मशरूम को डाल करके, और हम इसको अब क्या करेंगे बर्फ, इसको फ्राई करेंगे। दिस इज व्हाट माय सिस्टर गोइंग टू डू नाउ, डीप फ्राई, वी विल डू डीप फ्राई। हाँ, वी विल डू डीप फ्राई, कीपिंग इन टू माइंड दैट वी डू नॉट फ्राई टू सच एन एक्सटेंट वेयर मोस्ट ऑफ द मॉइस्चर गेट्स ड्राई। तो हम कुछ हम लोग डीप फ्राई भी करना है, और ऐसा सिचुएशन में हम लोगों को बाहर निकालना है जो कि बिल्कुल ड्राई नहीं हो जाए, इसके अंदर कुछ मॉइस्चर कंटेंट रहे। राइट, जो भाई है गौरव, इनके दो रेस्टोरेंट भी है गया में। गौरव, आपके रेस्टोरेंट का नाम क्या है गया में? मिर्ची तड़का, विच इज नियर टू 5 नंबर गेट मिलिट्री कैंट के पास है, और एक गौरव फैमिली रेस्टोरेंट विच इज इन नंदीबाग। वाओ,
टुडे आई एम वेरी ब्लेस्ड, सो मैं इसको डीप फ्राई कर देती हूँ। किस फ्लेम में करना है हमें फ्राई? आप मीडियम फ्लेम में, थोड़ा सा हीट हो जाता है, उसके बाद एक बार आप डालकर एक देखो हाउ इट कम्स अप एक पीस के बाद, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा, देन यू कैन स्टार्ट। ओके, तो मैं आती हूँ डीप फ्राई करके। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यू प्लीज कम एंड व्हेन वी देन विल स्टार्ट। यू प्लीज फ्राई दिस वन, लिटिल शेक इट लिटिल, दैट्स इट। तो हम क्या कर रहे हैं, हम इसे फ्राई कर रहे हैं, कोट तो किया ही था, हल्का सा शेक करके, बहुत ज्यादा ना जाए इसके अंदर तेल के अंदर, और हम इसे डीप फ्राई कर रहे हैं। पहले मैंने क्या किया है, हीट को जो है फ्लेम को बहुत मतलब हाई फ्लेम पे इसको कढ़ाई में तेल डाल के काफी गर्म कर लिया है, और अब इसको मैंने स्लो मीडियम फ्लेम कर लिया है, और मीडियम फ्लेम करके मैं इसे डीप फ्राई कर रही हूं। वी विल नॉट शेक इट, एंड वी विल नॉट शेक इट एक्चुअली, सॉरी, या वी विल नॉट शेक इट एक्चुअली। तो ऐसे ही मैं सारा फ्राई कर लूंगी। नाउ वी विल सॉटे दीज वेजिटेबल्स दैट वी हैव कट। ये अनियन हो गया, पहले अनियन को हल्का सा सैलो फ्राई करेंगे। तो हमने क्या किया गौरव, पहले सारे प्याज को डाल दिया। हाँ, ये प्याज कली हुआ, प्याज कली को डाल दिया, और इसको फ्लेम में थोड़ा सा जिसको जो है सौते करेंगे, और इसको सौते करने के बाद ये जो है कैप्सिकम हमने काटा है, कैप्सिकम और ये चिली, हाँ, इसको भी सौते करेंगे। तो हमने पहले प्याज को कितने मिनट के लिए सौते किया है? अभी फिलहाल थोड़ा सौते करेंगे, ये जो हाफ डन होना चाहिए, ये पकना नहीं चाहिए। अच्छा, क्योंकि चिली का मजा तभी है जब प्याज और शिमला ये हाफ डन रहे, और जो है मशरूम के साथ बनने के बाद ये हल्का वो फील दे कि ये पूरा डन नहीं हुआ है। तो मतलब वी आर नॉट कुकिंग एनी वेजिटेबल, ये चिली में जो दोनों का फ्लेवर हल्का कच्चा आना चाहिए। मतलब हमने प्याज को ट्रांसलूसेंट किया है? नहीं, ट्रांसलूसेंट नहीं किया है, हमने प्याज को जो है हाफ डन किया है। ओके, और उसके बाद हमने कैप्सिकम डाला। अभी उसके बाद कैप्सिकम डाला, राइट, इसको थोड़ा भून लेंगे। ओके, ताकि कैप्सिकम भी हल्का पक जाए। ओके ओके, तो ये पक जाएगा, उसके बाद हम लोग इसको थोड़ा सा बीच में इसको चिलीज को मिलाएंगे, और ये जो है अभी शुरू में हमने नहीं डाला है गार्लिक को, गार्लिक को बीच में डालेंगे, और गार्लिक को भी इसमें साथ में हल्का पकाएंगे। अच्छा, ओके ओके ओके, तो करीबन हम 5 मिनट लग जाएगा हमें इस प्रोसेस में। हाँ, क्योंकि हमारे पास वो बड़ा पैन नहीं है, वी आर कुकिंग दिस इनटू एन इंडियन कढ़ाई, ये फ्लैट पैन होना चाहिए था, वी वुड हैव टॉस्ट इट। ओके, इसको थोड़ा सा टॉस करके हम लोग पकाते, लेकिन क्योंकि दिस इज अ डोमेस्टिक किचन, ये घरेलू जो है एक किचन है, एंड वी डू नॉट हैव दैट फ्राइंग पैन, तो इसको थोड़ा सा हम लोग इसमें हल्का डन करेंगे। मीन्स आई होप 5 मिनट्स तो लग जाएगा। और गौरव, हम किस फ्लेम पे कर रहे हैं ये? फिलहाल तो भी हाई फ्लेम है, इसका बॉटम पार्ट भी गर्म हो रहा है, ये पूरा फैल नहीं रहा है फ्लेम, तो दिस इज द रीजन इसको हमने हाई किया है। अब थोड़ा सा इसमें हम लोग ये हमने चॉप्ड गार्लिक डाला है, राइट, इसमें हमने चॉप्ड गार्लिक डाल दिया है मिडिल ऑफ द कढ़ाई, मिडिल में डाला ताकि ये यहीं पर पक जाए। ओके, मिडिल ऑफ द कढ़ाई में हमने चॉप्ड गार्लिक डाला और उसको कवर कर दिया है, वहीं पे वो पक जाएगा, राइट। साथ में हम लोग जो है एट द सेम टाइम दीज आर द चिलीज दैट वी आर गोइंग टू पुट इन टू। अच्छा अच्छा, चिली जो डाल दे रहे हैं। अच्छा, इसी वक्त हम गार्लिक के बाद तुरंत ग्रीन चिली जो कट किया था, आई होप हम लोगों ने 20 ग्रीन चिली लिए होंगे, करता है कुछ लोग अगर कम चिली चाहते हैं, पसंद करते हैं, या बच्चों के लिए बना रहे हैं तो वो अपने हिसाब से उसे एडजस्ट भी कर सकते हैं, राइट। अब ये जो है ना हमारे पास जो है ग्रीन चिलीज का है, ये सोया है, टोमेटो है। ओके ओके, इसको हम लोग थोड़ा सा और इसको होने देते हैं। अच्छा, ये टोमेटो है हमारा, राइट। ओके ओके, टोमेटो सॉस का बॉटल के बजाय हम लोगों ने पाउच है उसको लिया है, बिकॉज वी हैव एट आवर होम। आप अपने घर में जो सामान है उसको होमली स्टाइल में आप प्रिपेयर कर सकते हैं, नो नीड कि आपको बिल्कुल जो जो आइटम है, इसीलिए हम लोग घरेलू तरह से बना रहे हैं, ताकि इजीली जो महिलाएं हैं, जो गृहिणी हैं, या जो बच्चे हैं और या जो जेंट्स मेंबर है, वो कभी कभी एज अ पैशन दे वॉन्ट टू कुक, वो इसको। एक्चुअली आपने बहुत सही बोला गौरव, तुमने मेरे चैनल का मोटो ही यही है कि वैसे बच्चे जो बाहर हॉस्टल में पढ़ने गए हैं और उनके पास मिनिमम वेसल्स होते हैं, मिनिमम बर्तन के साथ या मिनिमम इंग्रेडिएंट के साथ अगर कुछ खाना बनाना चाहें तो वो कैसे बना रहे हैं, तो आज मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ। इसमें मैंने अभी जो है चिली सॉस डाला है। ओके ओके, अभी हमने क्या डाला? चिली सॉस। चिली सॉस, ओके, और साथ में इसमें हम थोड़ा टोमेटो डाल रहे हैं,
ओके, ये हमने टोमेटो और केचप डाला है, राइट? टोमेटो सॉस डाला, ओके ओके ओके। तो हमने चिली सॉस डाला, टोमेटो सॉस डाला, चिली डाल दे रहे हैं, थोड़ा और चिली डाल दिया हमने, चिली बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, मेरे तो मुंह में पानी आने लगा है, बहुत ही उम्दा खुशबू, बहुत ही देख के ही बहुत टेस्टी लग रहा है। और नाउ वी विल पुट लिटिल बिट ऑफ सोया, क्योंकि सोया जो है वो चाइनीज की जान होता है, इट्स इज अ हार्ट एंड सोल, तो ये कलर भी देता है सोया, और साथ में जो है ये फ्लेवर भी देता है चाइनीज का, थोड़ा सा सोया सोया डालेंगे यहाँ पर, ठीक है? ओके ओके ओके, सो वी पुट ऑलमोस्ट हाफ स्पून ऑफ सोया, वन टीस्पून ऑफ सोया, राइट? ऑल राइट, एंड इट्स ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन कि आपका कितना मेजरमेंट है, राइट? कितना आप प्याज और शिमला वगैरह कैप्सिकम कितना ले रहे हो, उस पर भी ये डिपेंड करता है। नाउ यू नो कि चाइनीज आइटम में अजीनामोटो इज वन ऑफ द मेजर कॉम्पोनेंट्स, ये बहुत जरूरी होता है कि अजीनामोटो, तो अजीनामोटो ऑल्सो वी विल यूज, लेकिन लेट इट गेट हीटेड फॉर सम मोर टाइम, और पकने देते हैं। ओके, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कितनी क्वांटिटी में हमें अजीना डालना चाहिए। राइट राइट राइट, और कुछ ऑडियंस नहीं अगर डालना चाहे अजीनामोटो तो वो स्किप भी कर सकते हैं। तो ये हमने अजीना डाला, ओके, और अब बाकी हम लोग सॉल्ट डाल कर एडजस्ट करेंगे। ओके, ऑल राइट, तो ऑलमोस्ट हमें 5 मिनट्स हो गए हैं ये कुक करते हुए, और देखिए ये प्याज करी भी खुल गया है। हाँ। इसी टाइप का आपको रेस्टो स्टाइल आपने जैसे मैंने बताया कि देखिए प्याज अपने आप खुल गया है, ये प्याज की जो करी होती है वो खुल गया है, और हमारे पास अभी मशरूम है, फ्राइड मशरूम, इसको हम इसके बाद एक बार गौरव दिखाएंगे आप, हमने फ्राई करके रखा है वो, हाउ इट्स लुक, ये रहा। ओके, गोल मिर्च है, अच्छा काली मिर्च पाउडर, गोल मिर्च पाउडर, हाँ गोल मिर्च पाउडर थोड़ा डालेंगे। ओके ठीक है, ओके ओके, और एक बनने के बाद वी विल टेस्ट एंड वी एडजस्ट अकॉर्डिंगली, और अब हम लोग इसमें मशरूम डालते हैं। ओके, तो अब जो हमने फ्राई करके मशरूम रखा था गाइस, वो मशरूम गौरव ने इसके अंदर डाल दिया है, चिली मशरूम, वाओ इट्स वेरी नाइस, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। नाउ व्हाट वी विल डू, थोड़ा सा हम लोग सोया को और एडजस्ट करेंगे जस्ट टू गिव लिटिल बिट ऑफ टेक्सचर, सोया सॉस हमारा, थोड़ा सा इसका कलर हल्का सा, वी विल एनहांस द कलर एज वेल एज द टेस्ट, नॉट मोर, हल्का सोया का अमाउंट बहुत लिमिटेड होना चाहिए ताकि जो है ना फ्लेवर और कलर ओवर पार नहीं हो जाए। ओके, तो पहले हमने वन टीस्पून डाला था, अभी हाफ टीस्पून से थोड़ा सा ज्यादा, अच्छा अभी पौना टीस्पून डाला है मैंने, और अब हम क्या डाल रहे हैं गौरव, वी आर पुटिंग लिटिल बिट ऑफ सॉल्ट। ओके, सो अभी हमने लिटिल बिट ऑफ सॉल्ट डाला है एडजस्ट करने के लिए, तो सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अनुसार डाल सकते हो, सो ऑलमोस्ट ये हमारा होने को है रेसिपी, और जस्ट आपके स्वादानुसार हमने थोड़ा सा धनिया भी रखा हुआ था, लिटिल बिट ऑफ, अच्छा ये हमने धनिया को छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है, फाइनली चॉप धनिया है वो भी थोड़ा डाला गया है, बिकॉज यू नो हम लोग का एक इंडियन थोड़ा सा टेस्ट जब तक नहीं आता है तो वी आर नॉट सेटिस्फाइड, राइट? सो आई एम वेरी लकी गाइज, आज मेरा छोटा भाई गौरव आया है हमारे पास बैंगलोर में, और मेरी किचन में ये बहुत ही उम्दा रेसिपी बन रही है। इसमें फिर से गोल मिर्च, ब्लैक पेपर थोड़ा, अच्छा थोड़ा और हमने डाला है ब्लैक पेपर, दैट्स इट, अब इसे फाइनल हो गया है। नो हाउ यू केम टू नो कि दोबारा भी डालना था हमें, क्योंकि तो हमने जो है ना ये प्याज और शिमला जो होता है वो हल्का सा स्वीट इसमें एक कंपोनेंट रहता है, ओके, व्हिच इज अ मस्ट। ओके ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू क्लोज द फ्लेम, दिस इज द मशरूम चिल्ली,
ये आप देख सकते हैं. कैन यू शो हियर? दिस इज द मशरूम चिली व्हिच वी हैव प्रिपेयर्ड. वाओ, इट्स वेरी नाइस, वेरी अमेजिंग. सो गाइज, अगर आपको ये मशरूम चिली पसंद आई है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें. और अगर गया जाने का मौका मिले तो प्लीज कम टू गौरव रेस्टोरेंट विच इज इन डंडीबाग बाईपास और नियर 5 नंबर गेट, मिलिट्री कैंट गेट, यू हैव मिर्ची तड़का. थैंक यू, थैंक यू सो मच. थैंक यू.